दिस इज डॉक्टर वाजपेयी फ्रॉम मुंबई। मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, गुच्छे में टूट रहे हैं, मेरे बाल बहुत सफेद हो रहे हैं। बालों की समस्या आज इतनी कॉमन हो गई है कि घर घर में, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, महिला हो, हर एक व्यक्ति बाल झड़ने से परेशान है। और मुझे पिछले 22 साल से जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि बाल झड़ना, जब आपके बाल झड़ने शुरू होते हैं तो 90% लोग क्या करते हैं, बाजारों में, मेडिकल स्टोर में जाते हैं, कोई अच्छा सा हेयर ऑयल दीजिएगा, कोई अच्छा सा शैम्पू दीजिएगा। तो आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि बाल झड़ना का जो सॉल्यूशन आप कर रहे हो, केवल हेयर ऑयल लगाने से या शैम्पू लगाने से नहीं ठीक होगा। क्योंकि जो हमको जो बाल झड़ रहे हैं वो तो बाहर दिख रहे हैं, लेकिन कारण अंदर होते हैं। तो पहले तो आपको कारण एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कारण जाने आपका मार्केट का, दुनिया का कोई भी हेयर ऑयल आपको काम नहीं आएगा। कोई भी दुनिया का शैम्पू आज तक ऐसा नहीं डिजाइन किया गया है जो आपके बालों को रोक सके, जब तक आपके अंदरूनी प्रॉब्लम को वो एड्रेस ना कर ले। तो कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको जस्ट शेयर करना चाहता हूं। वैसे तो कई सारे कारण है, लेकिन एज अ डॉक्टर मुझे लगा कुछ कारण आपके सामने मैं बताऊं। कि नंबर वन कारण दुनिया में सबसे पहला कारण जिनके बाल झड़ रहे हैं, स्ट्रेस। कहते हैं ना स्ट्रेस, आज डॉक्टर के पास जाओ, स्ट्रेस। स्ट्रेस को एड्रेस किए बिना आपके बाल झड़ना नहीं रुक सकते हैं। लैक ऑफ वाटर, 70% हमारा शरीर पानी से है, ये पानी से बना हुआ है, 70%। और डिहाइड्रेशन, कई लोग हैं जो आज की तारीख में शहरीकरण में एसी में रहते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। आपको पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि बिना पानी के आपको अगेन आपकी स्किन श्रिंक, हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाएंगे, आपके बाल टूटना शुरू करेंगे। प्रॉपर न्यूट्रिशन, खान पान, आज शहरीकरण में फास्ट फूड कल्चर बहुत हो गया है। फास्ट फूड के चक्कर में हम लोग जीरो न्यूट्रिशन वाले पिज्जा, बर्गर, पास्ता वगैरह चीजें खा रहे हैं। तो जीरो न्यूट्रिशन वाले चीजें खा रहे हैं, तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसके लिए पोषण का ख्याल रखना पड़ेगा। नींद, स्लीप, कई लोग होते हैं जिनको नींद की प्रॉब्लम है, उनको भी लैक ऑफ स्लीप के कारण भी बाल झड़ सकते हैं। टोबैको, कई लोग है सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इसको भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर का जो निकोटीन है, ये निकोटीन बहुत ही डैमेजिंग है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, हो सकता है। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, फ्रेंड्स 90% ऐसे घर है जहां पे डेली उठ के सुबह लोग बॉटल भर भर के गर्म पानी पीते हैं, 4 कप चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, क्योंकि कब्ज की शिकायत। तो फ्रेंड, जब तक आप कब्ज को एड्रेस नहीं करोगे, बाल झड़ना नहीं रुक सकता है। हेयर डाई, आज की तारीख में क्योंकि बाल सफेद होना, आज 10-10 साल के बच्चों के भी बाल सफेद हो रहे हैं, और बाल सफेद होना बहुत बड़ी बीमारी है। तो बीमारी नहीं कह सकता हूं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये हेयर फॉल भी कोई बीमारी नहीं, इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो हेयर डाई करना, महिलाएं जो अपनी हेयर रिबॉन्डिंग कराती हैं केमिकल्स वाले, प्लस जो आयरनिंग वगैरह करती है, राइट, आयरनिंग वगैरह करती, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर आपके शरीर में एक DHT नामक, राइट, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये बहुत भयंकर प्रमाण में बनना भी आपके बालों का झड़ना साबित हो सकता है। फिर थायराइड, कई लोगों को थायराइड है, खासकर महिलाओं को, तो थायराइड अगर किसी महिला को है, उसके कारण झड़ सकते हैं, यानी कि पहले आपको थायराइड को एड्रेस करना पड़ेगा। ऐसी मार्केट में कई सारी दवाइयां हैं जिनका साइड इफेक्ट्स हेयर फॉल होता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यदि आपके बाल झड़ रहे तो कहीं आप कोई एलोपैथी दवा तो नहीं ले रहे हो, या तो कोई ऐसी दवा नहीं खा रहे हो, या कहीं आपका केमोथेरेपी चल रहा है। तो बहुत सारे कारणों को आपको जानना पड़ेगा। और महिलाओं में, यस फ्रेंड्स, महिलाओं में सबसे पहला रूट कॉज मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी, यानी कि उनके जो मासिक चक्र है वो अनियमित होते हैं। किसी महिला का पीरियड 40 दिन में आता है, किसी का 20 दिन में आता है, तो ये जो इम्बैलेंस ऑफ उनका मासिक धर्म है, ये बहुत बड़ा कारण है उनके बाल झड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपके कुछ काम आए। अगर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे आपको मोर इंफॉर्मेशन चाहिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, दिस इज डॉक्टर आनंद वाजपेयी साइनिंग ऑफ, गुड बाय।